गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आन इज ब्लाइंडनेस के बारे में, जिसे जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। यह पोयम मिल्टन के जीवन पर आधारित है, जब मिल्टन अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधा हो गए और पूरा संसार उन्हें बहुत विशाल और अंधकारमय समझ में आने लगा। तब वो भगवान से इसकी शिकायत किए, लेकिन बाद में वह अपनी भूल को स्वीकार किए और उन्होंने सोचा कि वह स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं और यही उनकी सर्वोत्तम सेवा है। तो आइए इस पोयम को देखते हैं, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब अपने अंधेपन पर, जिसे लिखे हैं जॉन मिल्टन। तो यहां से देखते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन मतलब जब कभी आई कंसीडर, मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, किस प्रकार से मेरे आंखों की रोशनी, लाइट मतलब आंखों की रोशनी, स्पेंट मतलब खत्म हो गई यानी कि चली गई, इवे हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र में ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरे आंखों की रोशनी चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, और तब एक प्रतिभा जो मेरे अंदर एक टैलेंट है, एक प्रतिभा है, विच इज डेड टू हाइट, जिसे छिपाना नैतिक मृत्यु के समान है, लॉस्ट विथ मी यूजलेस, लास्ट मतलब पड़ी हुई है, विथ मी मेरे अंदर, यूजलेस मतलब बेकार, जो मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ज्यादा आतुर है या बहुत ज्यादा बेचैन है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व मतलब सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, माई मेकर मतलब भगवान। तो मिल्टन कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है, मेरा मन जो है, वह भगवान की सेवा करने के लिए बहुत आतुर है। एजेंट माई ट्रू अकाउंट एंड प्रेजेंट मतलब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट मतलब अपना सही लेखा जोखा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं वहां पहुंचू तो वह मुझे डांटे या फटकारे। डोंट गार्ड एग्जैक्ट दे लेबर, डोंट का मतलब डज से है, डज गॉड क्या भगवान, एग्जैक्ट मतलब उम्मीद करते हैं, डे लेबर मतलब मेरे दिन के कार्यों से, या फिर भगवान मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं अन्य व्यक्तियों की तरह ही कार्य कर पाऊं, लाइट डिनाइड मेरी रोशनी जाने के बाद, अर्थात मिल्टन कहते हैं कि मेरी रोशनी जाने के बाद भी क्या भगवान मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं अन्य लोगों की भांति दिन रात कार्य करूं। आई फाइंडली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूं, आगे लिखते हैं बट पेशेंस, लेकिन मेरा धैर्य टू प्रिवेंट मुझे रोकता है, दैट मर्मर उस शिकायत से, कहते हैं कि मेरा धैर्य मुझे शिकायत करने से या बड़बड़ाने से मुझे रोकता है, और मुझे सून रिप्लाइज तुरंत उत्तर देता है, गॉड डोट नॉट नीड, डोट का मतलब डज से है, तो गॉड डज नॉट नीड, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, आइदर मैंस वर्क मनुष्य के कार्य की, आर हिज ओन गिफ्ट्स या फिर उसके द्वारा दिए गए उपहार की, भगवान को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है या फिर उसके द्वारा दिए गए उपहार की आवश्यकता नहीं है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक, ओक का मतलब होता है बैल के कंधों पर रखा जाने वाला जुआ, तो यहाँ इसका मतलब इससे है कि हु बेस्ट बियर, जो अच्छी तरह से बियर मतलब बर्दाश्त करता है या सहन करता है, हिज माइल्ड ओक, उसके द्वारा दिए गए कष्ट को या उसके द्वारा दिए गए मुसीबतों को, दे सर्व हिम बेस्ट,
वे भी उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं, यानी कि वे लोग भी भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं। आगे लिखते हैं हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य किंगली मतलब शाही है, अर्थात उसकी स्थिति राजाओं के समान है। आगे लिखते हैं कि थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों लोग उसकी आज्ञा पर, स्पीड मतलब बहुत तेजी से दौड़ते हैं। कहने का मतलब यही है कि भगवान के पास हजारों देवदूत हैं जो कि आज्ञा पर तेजी से दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात बिना आराम किए हुए वे लोग भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, जमीन पर एन ओशन विदाउट रेस्ट, और समुद्र पर विदाउट रेस्ट मतलब बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और अंतिम लाइन में कहते हैं कि दे आल्सो सर्व, वे लोग भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं।